हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है डैट पढ़े सो द अपकमिंग एसयूवी कार्स फॉर 2023। करीब 20 नई एसयूवी कार्स आने वाली हैं फेसलिफ्ट के हिसाब से, नए मॉडल लॉन्चेस के हिसाब से। और भारतीय मार्केट में एसयूवी का जो प्यार बढ़ रहा है, जो क्रेज बढ़ रहा है, इट्स मूविंग टू अ नेक्स्ट लेवल। नाउ बिफोर आई टेल यू अबाउट द एसयूवी कार्स, एक चीज जान लीजिए, कार मैन्युफैक्चरर्स वर्तमान में अब प्रॉफिट्स के सिनेरियो में आ चुके हैं। Most of the car manufacturers are making record profits thanks to the commodity prices which are reduced. Aluminium, steel, rubber, iron, copper, inki keemton mein kafi control aa gaya hai, jiske karan Maruti Suzuki has now posted 2000 crore plus profits, which is in only 3 months, and that's the highest profits of Maruti Suzuki ever posted in a quarter. Hyundai ने भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 21-22 के जब क्लोजिंग आई, उसमें दिखाया कि उनके प्रॉफिट्स 2300 करोड़ से ऊपर आ चुके हैं, विच इज़ द हाइएस्ट एवर प्रॉफिट द लास्ट 4 ईयर्स। और जिस हिसाब से कार मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी कीमतों में इजाफा कर रखा है, इंक्रीमेंट कर रखा है, निरंतर प्राइस हाइक करते जा रहे हैं, नाउ ऑटो सेक्टर इज टर्निंग बैक इनटू ग्रीन एंड दे आर नाउ पोजिंग हैंडसम प्रॉफिट्स। बहुत बढ़िया। और एसयूवी के मार्केट में भी बहुत गर्मी आ गई है, तो वो कौन सी एसयूवी कार है जो 2023 में आपको देखेंगी? देखिए, क्रेटा का फेसलिफ्ट आने वाला है, आप लोगों को पता ही होगा। फेसलिफ्ट में कंपनी कॉस्मेटिक अपग्रेड्स करेगी, एडास लेके आएगी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा और कार की कुछ स्टाइलिंग में आपको ट्वीक्स मिलेंगे। 6 एयरबैग्स ऐसी उम्मीद कर रहे हैं 2023 से क्रेटा में आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे राइट फ्रॉम द बेस मॉडल। सो दैट गोइंग टू बी बिग अपडेट फॉर ह्यूंडई क्रेटा। साथ में किया मोटर्स भी सेल्टॉस के अंदर एक नया अपडेट लेके आएगा। सेल्टॉस में जान लीजिए, एक तो पैनोरामिक सनरूफ आने की बड़ी उम्मीद है, सेल्टॉस के स्टाइलिंग में ट्वीक्स होंगे और सेल्टॉस में भी अडास का फीचर आपको भारतीय मार्केट में मिलेगा। अभी ऑटोनोमस फीचर्स के बाद कार्स कितनी सेफ होंगी वो बात की बात है, लेकिन साहब स्टेयरिंग छोड़ के गाड़ी मत चलाइएगा। अगर आप स्टेयरिंग छोड़ के गाड़ी चलाएंगे, ट्रस्ट मी, कंट्रोल आपका गाड़ी से हटा, रोड पे कोई सामने आ गया, कोई साइड से आ गया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अडास ये मतलब ज़्यादा अपने आप को ऑटोनोमस मत करिएगा जब भी आता है। खैर, वो 11 की बात थी। अभी जो अगली गाड़ियां है वो टाटा मोटर्स की तरफ से है, हैरियर का फेसलिफ्ट, सफारी का फेसलिफ्ट, अगेन अडास, 360 कैमरा, विच वर द वीक पॉइंट्स, प्लस इंजन में ट्यूनअप्स आपको हैरियर में मिलेगा, सफारी में मिलेगा। इसी के साथ हैरियर और सफारी का भी आपको अपडेट 2023 में आएगा। मैं एक टेंटेटिव मेंस आपको नीचे टाइमलाइन में मेंशन करता जाऊंगा, वहां से आप आके चेक कर सकते हैं। होंडा कार्स इंडिया भी 2 एसयूवी कार्स को भारतीय मार्केट में उतारेगा, एक होगी कॉम्पैक्ट एसयूवी और एक होगी मिड साइज एसयूवी। कॉम्पैक्ट एसयूवी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं अमेज के प्लेटफॉर्म पे होगी, पेट्रोल में 1.5 iVTEC आपको इंजन मिलेगा। और उसके बाद यही वो कमी थी जो WRV को भारतीय मार्केट में आगे लेके नहीं गई, लेकिन अब ऐसा उम्मीद कर रहे हैं उस नई एसयूवी के अंदर 1500cc पेट्रोल इंजन के साथ वो कार भारतीय मार्केट में टर्बो इंजन को पछाड़ेगी। साथ में होंडा कार्स इंडिया एक नई मिड एसयूवी लेके आएगा जिसमें 1500cc का iVTEC पेट्रोल इंजन होगा, साथ में आपको हाइब्रिड का ऑप्शन मिलेगा। उसके अलावा साहब महिंद्रा एक्सयूवी 400 EV को भारतीय मार्केट में लेके आएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनी कार होगी, और साथ में थार के 5-door वर्जन को भी लेके आएगा। उसके अलावा साहब टोयोटा भी इनोवा हाई क्रॉस, ऑल दो दिस कार इज गेटिंग अनवेल्ड ऑन 25 नवंबर, बट डिलीवरीज वुड बी बिगनिंग फ्रॉम 2023। तो ये कार की जैसी अनवेलिंग होगी उसके बाद आप चाहें तो टोयोटा डीलर शोरूम पे जाके बुकिंग लगा सकते हैं। इनोवा हाई क्रॉस आपको मिलेगी और साथ में फॉर्च्यूनर के अंदर भी आपको जो उसका पेट्रोल इंजन है उसमें आपको हाई क्रॉस के साथ मिलेगा, डैट विल बी द हाइब्रिड वर्जन। तो टोयोटा भी अपडेट करेगा अपने आने वाले मॉडल्स को। उसके अलावा सा मारुति सुजुकी वुड अगेन बी इन एक्शन इन 2023। एक तो ब्रेजा के CNG वेरिएंट को लॉन्च करेगा, एंड ब्रेजा CNG वुड बी द फर्स्ट कार टू बी हैविंग CNG विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन द इंडियन पैसेंजर का मार्केट, प्लस CNG इन SUV इन मैनुअल ट्रांसमिशन। तो पहली SUV कार होगी जिसमें आपको CNG का ऑप्शन मिलेगा। टाटा मोटर्स भी नेक्सॉन CNG को उतारेगा 2023 में, तो वो भी एक आपके अपडेट है। और मारुति सुजुकी नई SUV जिमनी को जो कम्पीट कर सकती है थार के सस्ते प्राइस में, जिन लोगों की ऑफ रोडिंग के हिसाब से रिक्वायरमेंट है वो मारुति सुजुकी जिमनी की तरफ देख सकते हैं। साथ में मारुति बलिनो क्रॉसओवर वर्जन, यस बलिनो का क्रॉसओवर वर्जन, स्पोर्टी वर्जन, ऑल दो यस SUV की परिभाषा में रखना गलत होगा,
क्लैडिंग व्लैडिंग होगी, लेकिन जो हाईलाइट होगी साहब उसमें आपको मिलेगा 1 लीटर का बूस्टर जेट इंजन जो पहले बलिनो के आरएस में आता था। सो दिस इंजन वुड बी मेकिंग अ कमबैक ऑन मारुति सुजुकी की पहली बार इन BS6 अगेन टर्बो इंजन की वापसी हो गई। फोर्स मोटर्स भी गुरखा के 5-डोर वर्जन को लेके आएगा। मारुति सुजुकी देखिए जिमनी को लेके आएगा, महिंद्रा थार 5-डोर को लेके आएगा, तो साहब फोर्स भी पीछे नहीं है, गुरखा के 5-डोर पे काम कर रहा है। और ट्रस्ट में फोर्स गुरखा से बेहतर ऑफ रोड, अगर आपको प्रॉपर ऑफ रोड चाहिए तो उससे बेहतर कोई SUV नहीं है। अब जीप भी ऐसा 23 तो नहीं बोलूंगा, टू बी वेरी प्रेसाइज 2023 और 2024 पहली बार आप मास मार्केट में एंट्री करेगा इन द फॉर्म ऑफ जीप एवेंजर विच वुड बी अ कॉम्पैक्ट SUV, क्योंकि जीप का जो नाम है वो कंपस के रूप में, मेरिडियन के रूप में, कंपस कीमत चली जाती है करते करते 23-24 लाख रुपए ऑन रोड के आसपास, मेरिडियन जा सकती है अराउंड 33-34 लाख रुपीज। तो साहब जीप भी अब एक मास मार्केट की SUV लेके आएगा। टाटा मोटर्स भी ब्लैकबर्ड को भारतीय मार्केट में मिड SUV के रूप में लेके आएगा, सच कंपीट अगेंस्ट क्रेटा, सेल्टोस, कुशाक, टाइगोन। और जितना पता लग रहा है कि टाटा मोटर्स ब्लैकबर्ड में ऐसे ऐसे फीचर्स स्टफ कर देगा कि जो लोगों को, भाई ये जो सेगमेंट है ना वो फीचर्स के हिसाब से बिक रहा है कि लोगों को फीचर्स चाहिए, और टाटा मोटर्स ब्लैकबर्ड के अंदर वो काली चिड़िया में ऐसे ऐसे फीचर्स देगा जो आपको बहा जाएंगी। उसके अलावा साहब रेनो इंडिया डस्टर की री एंट्री करेगा 2023 के अंदर। अब डस्टर के जो डायनामिक्स है, जो हैंडलिंग है, जो डेप्स्टर की एक राइड है, जो सस्पेंशन है, वो अब तक लोगों को भा रहा है। ऑल्दो दिस कार इज नॉट अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट, अब डस्टर के नए जनरेशन के रूप में रेनो 2023 में इस मॉडल को लेके आएगा, तो अपनी निगाह रखिए। मॉरिस गैराजेस भी हेक्टर के फेसलिफ्ट को, ऑल्दो दिस कार विल लॉन्च इन 2022 लेकिन डिलीवरी स्टार्ट होगी 2023 से, जिसमें नया आपको और बड़ा टच स्क्रीन, आपकी और ज्यादा वॉइस कमांड्स, और बढ़िया फ्रंट ग्रिल, अडास में और आपको एक लेवल अप मिलेगा। तो साहब मॉरिस गैराजेस की हेक्टर भी हो गई है, और साथ में इंडियन मार्केट के अंदर आपको लक्जरी सेगमेंट में और भी कार्स आएंगी, जिसमें आपको मर्सिडीज बेंज का नाम है, BMW का नाम है, BMW X7 हो गई, मर्सिडीज बेंज की EQB इलेक्ट्रिक हो गई, और लैम्बोर्गिनी उरुस का भी आपको अपडेट मिलेगा 2023 के अंदर। So there are so many cars which are launching in Indian market, aap nigah ho sakti hai. To saab 2023 would be a year jisme emissions mein to enhancement hoga hi, BS6 ke second phase aane wala hai, plus alternative fuels mein ethanol based electric cars, hybrid cars, plus SUV ki jo paribhasha hai na wo aapko aur naye naye aayam set karegi. So that was all about today's session. I hope this video will help you so as to make a right choice in the SUV segment for your need. If in case yes, अफोर्ड करिए, शेयर करिए, चैनल माइकल हेल्पलाइन बनाए हैं सब्सक्राइब करिए, और वेबसाइट www.michaelhelpline.com पे विजिट करिए, सो एज टू गेट बिकम मोर इन्फॉर्म, मेक अ राइट चॉइस फॉर द न्यू कार्स, यूज कार, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, लेटेस्ट कार लोन रेट्स, डिस्काउंट ऑफर्स, प्लस माइकल हेल्पलाइन फोरम पे आके आप प्रोफेशनल सपोर्ट भी ले सकते हैं। थैंक यू।